कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के बीच अपनी सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों को वंश एंटरप्राइजेस ने पिछले 7 महीनों का वेतन नहीं दिया है। वहीं जब कर्मचारी वेतन की मांग कर रहे हैं तो एंटरप्राइजेस टाल मटोल कर कर्मचारियों को तारीख पर तारीख दे रहा है। नागपुर में जब कोरोना ने हाहाकार मचाया तब मेडिकल कॉलेज में हाउसकीपिंग के लोगों ने लोगों को सहारा दिया। ऐसा दौर था जब खुद के परिवार के लोग ही अपने परिवार के मरीज को नहीं हाथ लगा रहे तब ये हाउसकीपिंग के लोग उनको मदद कर रहे थे। आज इनकी अवस्था ऐसी है कि इन्हें 4, 6 या 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और ये अपने पेमेंट के लिए फिलहाल यहाँ पे संघर्षरत है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कितने महीने से पैसा नहीं मिला? यहाँ के जो बाकी की जो लेडीज है उन लोगों को 4, 4, 5, 5, 6, 6 महीने से पैसा नहीं मिला है। साल भर ही अपन समझ सकते हैं। और जैसे हमारे इंचार्ज सर है, उन्होंने हमको 31 तारीख को लेटर दिया कि हम 1 तारीख को कंपनी बंद कर रहे हैं। फिर हमें 1 तारीख को बोलते हैं कि 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 6 दिन बाद आओ। ऐसी हम लोगों को, मतलब ये जो मौसिया लोग हैं उन लोगों को वो लटका रहे हैं, घुमा रहे हैं कि नहीं हम आज देंगे कल देंगे। ये कैसी रोजी मजूरी करने वाले लोग, इन लोगों को कैसा है, घर सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, फिर भी उन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज हमने हमारे डीन सर से बात की तो डीन सर के क्या नाम है सर का नाम अक्षय जो हमारे इंचार्ज सर है, अक्षय गुप्ता उन लोगों हमें बोल रहे हैं, अक्षय और गुप्ता जो कोई भी है हमारे इंचार्ज सर, वो हमको बोल रहे हैं कि हम आपको 3 दिन बाद पेमेंट देंगे करके। और हमें ऐसे ही लटकाया जाता है। कितने दिनों से ऐसा हो रहा है कि आपको पहले बोलते हैं कि पेमेंट देना? एक तारीख से ऐसा ही हो रहा है कि जून महीने से 1 तारीख को आओ, 2 तारीख को आओ, ऐसे ही हमको तारीख पे तारीख बुलाते हैं और इन मौसियों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है तुमचा? सीमा पात्री। हे मागच्या वर्षीपासून होता अविनाश गावंडे, तेव्हा हेच प्रकार होता यांचा, तेव्हाच उरलं वर्षभर। आम्ही मगदा सोडून दिलं, मग जॉब पुन्हा जॉईन केलं त्यांनी। त्यांना कोविडची गरज, पुन्हा लेडीजला बोलावलं, जुन्यास नवीनला बोलवत नव्हता। पाणी आता अशीच कांडे का पेमेंट होते असंच झुलवत आहे। कंपनी डायरेक्ट त्यांनी आम्हाला सांगितलं नाही, काही नाही, डायरेक्ट बंद करून टाकतो। कितने महिने हो गए? 2 दिवसात आत्ता बंद केली। कितने महिने से पेमेंट नहीं मिला? 7 आपको कितने महीने से पेमेंट? 7 महीने से, सबका 7 महीने से है। और मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमने इतने भर कोविड में काम किया, जहाँ तक कि रिलेटिव नहीं जाते थे, पेशेंट को कोई हाथ नहीं लगाता था। और हमने भर कोविड में काम करने के बाद में भी 2 दिन में हमको बोल रहे कि कंपनी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे अब? फिर पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, और एकदम घर में हमको बटा दिए। और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सब सिंगल है यहाँ पर। फिर क्या हमारे तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? आज कितने तो भी लोग हैं कि ऐसे अच्छे होके गए, हमको दुआएं देते गए कि नहीं तुम सैल्यूट करते थे कि हमने कोविड पे काम किया करके, वहाँ पर जिनको पेशेंट हम करते थे ना। हाँ, ऊपर से आवाज उठाएंगे तो हमको धमकी देते हैं ये लोग कि नहीं तुमको जो करना है वो तुम कर लो, तुम अपना देख लो करके। हमको ऐसी धमकियां मिलती है। और जैसे ही मैंने आवाज उठाई कि हमारा पेमेंट चाहिए तो मुझे बोलते हैं कि तुमको मैं कल पेमेंट देता हूँ करके। और बाकी मौसियों को बोलते हैं कि हम आपको आराम से पेमेंट देते हैं। जब मैंने इनको बोली कि मैं 420 की केस करूंगी, तब जाके मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारा कल पेमेंट करता हूँ। और बाकी मौसियों को बोलते हैं कि मैं तुमको कंपनी चालू होगी, नहीं तो फिर बोलते हैं कि कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे ही करके उन लोगों को लटका रहे, उनको पेमेंट नहीं दे रहे। पेमेंट के लिए आते, आ जाते, कल आते, उड़ाते, वापस बात करवा लेते, फिर चले जाते। डीन मिला नहीं, फिर चले, फिर बता डीन आया, फिर चले जाते वापस। 7 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, 7 महीने से पेमेंट, 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला, तो फिर आप काम कैसे क्यों कर रहे? कैसे यही आश्वासन हमारे सर बोलते थे ना, जो हमारे ऊपर के, आज देंगे, कल देंगे, 2 दिन के बाद में। और हमको ऐसा लगता था कि चलो काम तो चालू है अपना वाला, आज नहीं कल देंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल काम बंद ही कर दिया है। बिल पास ना हुआ, काम का आश्वासन देते थे, बिल पास होगा तब हम आप सबको पेमेंट देंगे करके, ऐसे बोलते थे। बिल पास नहीं हुआ, पैसा बोले कहीं डूबता नहीं, आज नहीं कल मिलेगा, तुम्हारे को मिलना ही चाहिए बोले, पेमेंट बोले, तो हमने इस आश्वासन से हम करते गए काम 7 महीने से। हाँ, 7 महीने से पहले, एक साल से काम, जब से कोविड चालू हो गया तब से 99 से 2 महीने। क्या आप कोविड वार्ड में काम कर रहे थे? किट पहन के कोविड वार्ड में हम बावड़े तक बांधते थे, ट्रामा सेंटर में काम करते थे, पूरा बॉडी से लेके सब करते थे, बॉडी मर्चुरी में डालना, पेशेंट का सब क्लीनिंग करना, उनको खाना पीना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनके कपड़े लत्ते चेंज करना सब करते थे। उनको चीटियां लगती थी वो भी हम साफ सफाई करते थे, वगैरह साफ करते थे, सब करते थे हम। बॉडी बांधने से लेके मर्चुरी में डालना, मर्चुरी में डालना सब काम करते थे हम। ऐसा की नहीं कि नहीं करना करके, जो बताए हम वही काम करते थे। 8,500 4 छुट्टियां नहीं रही तो नहीं लिए, तो 9,500 ना कुछ भी नहीं था, ना इंश्योरेंस कुछ भी नहीं। हमारे जान को कुछ होता है तो बस
हो गए, हमारे घर के अनाथ हो गए, लावारिस हो गए, हमारे सबके लिए लावारिस ही नहीं था, तो हमको उल्टा बोलते थे कि जो करना है कर लो करके, हमको बगैर ग्लोव्स बगैर किट से काम करे हमने कोविड में, फिर भी सोचा नहीं हमने क्या होने वाला है करके। और ऐसे समय में हमने काम किया कि वो समय में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था कोविड में, लेकिन घर में बैठे थे छुट्टियां निकाल के हम लोगों ने काम किए, तब भी नहीं था क्या, तब तो इन्होंने अपने वर्कर लोगों को बुलाने के लिए होना था, तब क्रिस्टल भी नहीं आया, कोई चीज नहीं, क्रिस्टल वाले भी घर में बैठे कोविड आई तो, और हम लोगों ने काम किए, और अभी बोलते इनके गवर्नमेंट के लोग आ रहे हमारी ये कंपनी को दिए वो कंपनी, हमारी कंपनी बंद करने के पहले हमारे को इंटीमेशन देना था इन लोगों ने, इंटीमेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमारे को घर में डाल दिए 1 तारीख से, उनके रिलेटिव हमारे दूर दूर रहते थे, कुछ टिफिन लाके दो ये करते, मेरा क्या कहना है, जब इन लोगों ने कंपनी बंद करने लगे तो उसके 15 दिन पहले से क्या नाटक लगा दिए कि तुम्हारी कंप्लेंट्स है 845 पेज की समथिंग कुछ तो भी कंप्लेंट्स है, साथ में यहाँ की जो बाकी की मौसियों है मौसिया है उनको कहने लगे कि तुमने चोरी की है, यहाँ तक के कि जो पेशेंट्स थे उनके तुमने दागीने चुराए, जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब चुराए, ऐसी ये मौसियों को आरोप भी लगाया गया ये मेडिकल में, और पेमेंट देने के लिए फिर नाटक कर रहे हैं, और किसने किया ये मौसियों को खुद को नहीं पता है, जो जिसने किया वो तो चला गया, पर कैसा है मौसियों के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि तुमने ज्वेलरी चुराए पैसे चुराए बाकी की उनके चीजें चुराई, ऐसी इन लोगों को आरोप लगाया जा रहा है, जबकि बुक में लिखा रहता है कि जो भी मतलब बॉडी अपन क्लियर करते हैं जब बाहर निकलते हैं तो उसका पूरा सामान बॉडी को बॉडी के रिलेटिव वालों को दिया जाता है, और उनके साथ उनके पास से साइन ली जाती है कि हमने ये सामान इनकी बॉडी के ऊपर था और ये सामान हमने सिस्टर के सामने में साइन लिए है करके, सिस्टर खुद साइन लेती थी, और जब मालूम हम पेमेंट के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ना इसको बुलाओ मीडिया को बुलाओ ना ये करो ना वो करो, 7 महीने से लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपने कभी इसके बारे में बोला नहीं 7 महीने हो गए पेमेंट, बोले कईयों बार बोले है लेकिन आश्वासन के ऊपर ही मालूम है कि हमारा ये चलते रहा, चलो इधर से पैसा ले रहे उधर से पैसा ले रहे आने जाने में अपन अपना खर्चा करे, ये करते करते आदमी खुद कर्जे में इतना डूब चुका है कि अभी कर्जे वाले तकाजा करने लग गए, और हमको ये भी मतलब आश्वासन देते थे कि हमारी ये कंपनी गवर्नमेंट करेंगे हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसी मतलब आश्वासन देते रहते थे कि हाँ जी हाँ कन्फर्म कर देंगे कि नहीं हाँ ये कंपनी गवर्नमेंट हो जाएंगी करके, हमको ये भी आश्वासन दिया गया, और फिर बाद में अचानक से हमको लेटर भेज देते हैं कि हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, और कंपनी बंद करने के जस्ट 2 दिन पहले हमको बताते हैं कि नहीं हम कंपनी बंद कर रहे हैं करके, 3 दिन के आपको आश्वास मिला है 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या करोगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो नागपुर के मेडिकल कॉलेज में वंश एंटरप्राइजेस के जो वर्कर है जो हाउसकीपिंग के काम करते थे उन्हें 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण आज वो डीन जो मेडिकल के डीन है उनसे मिले और अपनी व्यथा जो है उनके पास रखी है, वही जो ठेकेदार है उनके उन्होंने ये फिलहाल आश्वासन ज़रूर दिया है कि 3 दिन में इन्हें जो है उनके पेमेंट मिल जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठने की बात फिलहाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।